क्रूगर नेशनल पार्क में सफारी पर एक अतिथि ने दो प्रजातियों के बीच इस अविश्वसनीय बातचीत को रिकॉर्ड किया। सफारी वाहन के अन्य लोग विस्मय में देखते हैं, सोचते हैं कि कौन सा जानवर दूसरे को मार डालेगा। हालांकि उन्हें अपनी यात्रा पर कुछ जंगली जानवरों को देखने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से जंगली चीजों को पकड़ने की कभी उम्मीद नहीं की थी। आज के वीडियो में हम दो खूबसूरत जंगली जानवरों को देखने जा रहे हैं, अजगर और तेंदुआ। हालांकि वे आम तौर पर सहअस्तित्व में सक्षम होते हैं, कभी कभी दो जानवर रास्ते पार करते हैं और मौत से लड़ते हैं। आइए सांपो और जंगली बिल्लियों दोनों की शिकार रणनीति पर एक नजर डालते हैं। एक तेंदुआ अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है या घात लगाकर हमला करता है। यह दोनों स्थितियों में जितना संभव हो सके अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने की कोशिश करता है। उसके बाद यह तेजी से बढ़ता है, अपने लक्ष्य पर झपटता है और इसे खत्म करने के लिए गर्दन पर काटता है। तेंदुए लंबी दूरी तक अपने शिकार का पीछा करने में असमर्थ होते हैं और अगर आश्चर्य का तत्व खो जाता है और लक्षित शिकार भाग जाता है तो वे तुरंत हार मान लेते हैं। अजगर अपना अगला भोजन खोजने के लिए सूंघने और देखने की क्षमता के संयोजन का उपयोग करते हैं। वे अपने शिकार का पीछा करने के बजाय हमेशा उस पर हमला करना चुनते हैं। तैयार होने पर वे गुप्त रूप से छिपने के बाद एक अज्ञात लक्ष्य की ओर भागते हैं। अजगर के पास एक उपयोगी अनुकूलन है जो उन्हें अपने जबड़े में छेद के माध्यम से पास के शिकार के शरीर की गर्मी को महसूस करने की अनुमति देता है। ये बिल कमसेष्टतम प्रकाश व्यवस्था में गर्म खून वाले क्रिटर्स का पता लगाने की कोशिश कर रहे अजगर के लिए सहायक होते हैं। इस वीडियो में अजगर को इनमें से किसी भी उपकरण का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है जब तेंदुआ उसके ठीक बगल में चलता है। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों का कोई इतिहास है और दोनों ही इस लड़ाई में पीछे नहीं हट रहे हैं। जब एक अजगर अपने लक्ष्य शिकार के पास पहुंचता है तो वह जल्दी से उसे अपने जबड़ों से पकड़ लेता है। इसके बाद यह पीड़ित को अपने शरीर से घेरना शुरू कर देता है, उसकी सांस रोक देता है और उसका दम घुटने लगता है। इस संकुचन के कारण जानवर जल्दी मर जाता है। तेंदुए अत्यधिक अनुकूलनीय जानवर है जो घने उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति और अर्धरेगिस्तानी वातावरण दोनों में जीवित रहने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त उनके डोमेन का आकार 3 वर्ग मील से लेकर कई 100 वर्ग मील तक हो सकता है। तेंदुए अपने पेशाब और पंजों का इस्तेमाल अपने क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए करते हैं। मादाओं के साथ क्षेत्र साझा करते समय नर तेंदुआ अन्य नरों से उसकी रक्षा करेगा। जैसे जैसे जानवर सांस छोड़ता है अजगर का रूप और मजबूत होता जाता है। निचोड़ने से बस सांस रुक जाती है, इससे हड्डियां नहीं टूटती है। यह तब होता है जब अजगर अंततः अपनी तंग पकड़ को छोड़ देता है और शिकार जानवर के दिल की धड़कन गायब हो जाती है। यह शरीर के नीचे जाने से पहले अपने शिकार के सिर को निगलने से शुरू होता है। क्रूगर नेशनल पार्क में सफारी पर एक अतिथि ने दो प्रजातियों के बीच इस अविश्वसनीय बातचीत को रिकॉर्ड किया। सफारी वाहन के अन्य लोग विस्मय में देखते हैं, सोचते हैं कि कौन सा जानवर दूसरे को मार डालेगा। हालांकि उन्हें अपनी यात्रा पर कुछ जंगली जानवरों को देखने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से जंगली चीजों को पकड़ने की कभी उम्मीद नहीं की थी।